कितनी रोग बीमारियां हमारी दूर करेंगे। इवन आज ही मेरे पास एक सामने मेरी एक आंटी हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, अपनी बेटी की उंगली पकड़ लो और उसे साथ चलाओ अपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ज़्यादा बातें हो गई और जल्द से मैं करती हूँ मेन जो टॉपिक है हमारा आज का, उस पर वीडियो स्टार्ट। तो कैसे जल प्रसाद को ब्लेस किया जाता है फ्रेंड्स, बहुत सारे संगत डामाडोल होती है कि एग्जैक्टली जल प्रसाद को कैसे ब्लेस किया जाए। तो आज मैं स्पेशली, ये मेरे को एक आंटी का फ़ोन आता है जयपुर से हर दूसरे तीसरे दिन, तो वो मेरे से शेयर करती हैं अपनी बातें। तो काफ़ी परेशान रहती हैं वो, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से वीडियो देखती हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आता। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ अपने मन की सुनो, अपने मन में कोई डाउट नहीं आने दो, बट वो फिर भी डामाडोल हो जाती हैं। तो जब आप डामाडोल हो गए ना फ्रेंड्स, तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को एकाग्रित कीजिए, अपने मन पे विश्वास कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपने रब को अपने अंदर बसाइए। जब आपने अपने रब को अंदर बसा लिया तो आपको किसी दूसरे की सहायता हेल्प नहीं पड़ेगी, जरूरत उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा सीधा बोल रही हूँ, पर मुझे पता है मेरा जो प्यारा परिवार है, जू ट्यूब का परिवार है, वो सब समझ रहा है कि मैं उनसे आखिर कहना क्या चाह रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारी फैमिली, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आपके बिना मैं अधूरी हूँ, हमेशा कहती हूँ, मेरा हाथ पकड़े रखिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और आपका साथ और प्यार रहा तो ये अनुराधा ज़रूर आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच। और मेन टॉपिक पर मैं अभी करती हूँ वीडियो को शुरू। तो मेरी प्यारी फैमिली, मेरी प्यारी संगत जी, बहुत ही सिंपल है जल प्रसाद को ब्लेस करना, तांबे के गड़बे को ब्लेस करना। तो इस तरह का अगर आपके किचन में कोई बर्तन है तांबे का, चाहे वो गिलास की फॉर्म में है, चाहे वो इस तरह का गड़बा है, तो आप इसमें भरिए साफ और स्वच्छ जल। जी हाँ, वही जल जो आप पीते हैं, देवी देवताओं के समक्ष रखते हैं उनको जल प्रसाद, जो जैसे माता रानी के आगे भी बहुत सारे लोग हैं जो जल प्रसाद रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मिनरल वाटर या आरओ का पानी ही होना चाहिए। जो पानी आप पीते हैं, जो साफ़ सुथरा पानी, ताज़ा पानी नलके से आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बस आपको एक ख़ास बात ध्यान रखनी है संगत जी, कि इस तांबे के पात्र को, इस तांबे के गड़बे को आप कभी भी साबुन से ना धोएं। जब भी आपको इसको धोना हो, राख से या फिर नींबू से रब करके इसे धोएं। नींबू से इसको अच्छी तरह इसके सारे छिलके से मसाज करें, इसकी फ्रेश नींबू काट के, तो ये ऐसे चमकीला सा हो जाता है, चमकना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही इजी मेथड है ऐसे वाश करने का भी, और मैं किसी दिन आपको करके भी दिखाऊंगी। अभी मैंने कर लिया है और मैंने इसे राख से धोया हुआ है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे राख ला के दी थी, तो थैंक यू वंदना सो मच आपका, जो आपने मुझे राख ला के दी थी। तो बहुत ही सिंपल, अब मैं इसमें भरूंगी पीने वाला पानी, और जो भी आपके पास पीने वाला पानी है वही लेना है। के साथ मैं वीडियो बना रही हूँ एक हाथ से, और एक हाथ से आपको ये जल प्रसाद बनाना सिखा रही हूँ। तो हम लोग यूज़ करते हैं आरओ का पानी, मैं पानी को स्टोर करके नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं आरओ वाटर ही यूज़ कर रही हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि कंपल्सरी नहीं है कि आप मिनरल वाटर जहाँ आरओ का पानी ही लें, आप साफ स्वच्छ ताज़ा पानी भी ले सकते हैं। गुरुजी किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ पानी में हो वो निकाल देते हैं। प्यारी फैमिली, इस साफ स्वच्छ जल को मैं लेके आ गई हूँ गुरु महाराज जी के पास, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे गुरु महाराज जी के आगे रखूँगी इस तरह से, और कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही खुला छोड़ूंगी, और 7 या 11 बार मैं करूँगी मंत्र जाप। और मंत्र जाप क्या है मैं आपको एक बार सुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो इस तरह से प्यारी फैमिली, आप 7 बार या 11 बार मंत्र जाप करके इस जल के पात्र को गुरु जी के आगे ओवरनाइट के लिए रख दें और मंत्र जाप करने के बाद इसे ढक दें। तो मैं इसे रुमाल के साथ ढक रही हूँ फ्रेंड्स, आप इसे चाहें तो किसी प्लेट के साथ भी ढक सकते हैं। अब ये मत सोचना कि किसी और ने तो प्लेट के साथ ढका था और आंटी रुमाल के साथ ढक रही हैं, तो आपके पास जो अवेलेबल है आप उसके साथ ढकें। ज़रूरी नहीं है कि आप रुमाल ही लें, आप प्लेट भी ले सकते हैं। तो इसे जब 24 घंटे हम गुरु जी के पास रहने देंगे तो गुरु जी इस जल प्रसाद को करेंगे ब्लेस, कितनी रोग बीमारियाँ हमारी दूर करेंगे। मेरे बिल्कुल घर के सामने एक आंटी है, मेरी सीमा आंटी, आज ही उनका मुझे फ़ोन आया है और उन्होंने मुझसे अपना एक सत्संग शेयर किया है कि अनु मैंने आज अपने टेस्ट कराए हैं तो मेरी शुगर भी बहुत ही नॉर्मल आई है और यूरिक एसिड तो ख़त्म ही हो गया। तो कहने का मतलब है इस जल प्रसाद से इतनी बीमारियाँ दूर होती हैं। बस फ्रेंड्स हमें चाहिए पेशेंस, जब हम पेशेंस नहीं रखेंगे तो रब क्या करे। जब आपको खुद में पेशेंस से सबर ही नहीं है तो सबर से ही हर काम बनते हैं। अब आप कहो कि इतनी पुरानी बीमारी आज आपने जल पिया और कल ठीक हो जाए, तो ये गलत है फ्रेंड्स। रब पे विश्वास करिए और रब को अपना विश्वास जब आप रब पे विश्वास करोगे ना तो रब अपना विश्वास और बढ़ाएगा आपके प्रति। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके कष्ट दूर ना हो, बट पेशेंस तो रखिए। आपने सोचा आज मैंने गड़बा रख दिया, इधर जल पी लिया और मैं ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। मैं भी पिछले 5-6 दिनों से बीमार हूँ तो मैं क्या कहूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेस नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। जो हमारे कष्ट हैं वो तो हमें मिलने ही हैं फ्रेंड्स, जो हमारे कर्म हैं वो तो हमने काटने ही हैं। पता नहीं यहाँ मैंने 15 दिन बीमार रहना था, वहाँ गुरुजी ने मुझे 4-5 दिनों में रिकवर कर दिया। तो गुरु महाराज जी की शक्तियों को बिलीव कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, विश्वास से ही काम बनते हैं। अब आप कहोगे कि कहाँ से कहाँ टॉपिक ले आई, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मेरी जयपुर वाली आंटी हैं जो मुझे मैसेज करती हैं, जब मुझे कॉल करती हैं तो उनका विश्वास हमेशा डगमगा जाता है। वो उनको दांतों की कोई प्रॉब्लम है तो वो बोलती हैं डॉक्टर के थ्रू भी मेरा इलाज नहीं हो रहा, मेरा गुरुजी भी ठीक नहीं कर रहे। अरे क्या पता गुरुजी ने उनके लिए क्या सोचा है, अगर डॉक्टर के थ्रू होना होता तो अब तक हो जाता, गुरुजी खुद क्योर करेंगे उनकी प्रॉब्लम। इवन मेरी खुद की सिस्टर की सिस्ट ख़त्म हो गई फ्रेंड्स, मेरे पास कितने ऐसे सत्संग हैं। वही बात आ गई कि इतने सत्संग में अगर आपको रोज़ रोज़ सुनाती रही तो पक जाएंगे आप बोलोगे ये कितने सत्संग सुनाती है। बट ये एक तरह की ब्लेसिंग होती है सत्संग सुनाना और सुनना। अगर आपको कभी मौका मिले कोई आपको अपना सत्संग शेयर कर रहा है तो प्लीज़ बोर मत होइए, सुनिए उनका सत्संग, क्योंकि सत्संग सुनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इससे हमारे कितने कष्ट कटते हैं फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अब जो मेरी आंटी हैं वो थोड़ी डामाडोल रहती है, जैसे मैंने आपसे भी कहा। और आंटी जी अगर आप भी ये वीडियो देख रही हैं तो बिल्कुल नाराज मत होइए कि मैं आपको ऐसा कह रही हूँ, मैं आपका विश्वास बनाना चाहती हूँ, मैं इसीलिए ऐसी बातें कर रही हूँ, आपकी बातें इसीलिए यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। आपको कोई नहीं जानता मेरे सिवाय, मुझे पता है आपका और मेरा जो भी रिलेशन है फ़ोन पे या जो भी हमारी बातचीत होती है, इसलिए आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ आपके थ्रू और भी कितने लोगों का भला होगा। तो अब जैसे मेरी आंटी सोच रही होंगी कि मेरे पास तो स्वरूप नहीं है तो मैं जल प्रसाद को कैसे ब्लेस करूं, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास स्वरूप नहीं भी है ना तो भी आपका जल प्रसाद ब्लेस हो जाएगा। बोलो कैसे बताऊं, जैसे कि जिस तरह से मैंने ये गुरु महाराज जी का ये लॉकेट पहना हुआ है, इस तरह का कुछ तो आपके घर में होगा गुरु जी से रिलेटेड। अगर आपके पास वो है लॉकेट तो लॉकेट से कैसे जल प्रसाद को ब्लेस किया जाता है मैं दूसरा तरीका भी आपको सिखाती हूँ संगत जी। तो मेरी प्यारी संगत जी, मैं सेम प्रोसेस सेम जल में ये प्रोसेस करके बताती हूँ आपको कि लॉकेट से जल प्रसाद को कैसे ब्लेस करेंगे। हमने जल का पात्र लिया सेम इसी तरह जैसे ये मैं गड़वा लाई थी नीचे से, तो हमने ये जो लॉकेट है चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, इस जल प्रसाद में हमें जितनी बार आप मंत्र का जाप करोगे उतनी बार घुमाना है। जैसे सपोज मैं 7 बार कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस तरह ये 7 बार मंत्र जाप करके गुरु जी के स्वरूप को बाहर निकालना है और इस जल प्रसाद को सेम जैसे मैंने पहले किया ढक के रख देना ओवरनाइट के लिए, तो आपका जल प्रसाद बन के रेडी है ना, कितना ईजी।
और संगत जी, बहुत सारी संगत को मैंने देखा है, ये जो जो लॉकेट प्रसाद से, सॉरी लॉकेट प्रसाद कह रही हूँ, गुरु महाराज जी क्षमा करना, जो लॉकेट से जल प्रसाद बनाते हैं, जल प्रसाद को ब्लेस करते हैं, तो वह पूरी रात गुरु जी का लॉकेट बीच में ही रहने देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है संगत जी। अगर आपको ही पूरी रात जल में कोई डुबो के रखे तो आपको कैसा फील होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये महापाप है। गुरु जी को पूरी ओवरनाइट जल के अंदर मत रहने दें। गुरु जी की जितनी जो पावर आनी है जल प्रसाद में, ओवरनाइट जो हमने रखा है जल, तो उसमें आ जाएंगी हमारे साथ बार घुमाने से ही। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। एक तो मैंने जल प्रसाद बनाने का तरीका सिखाया कि सब रूप के सामने, और दूसरा मैंने सिखाया है कि कैसे आप लॉकेट से जल प्रसाद बना सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आंटी जी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं जल प्रसाद बनाना आता था और इतने आसानी से ये बन जाता है, बन के तैयार हो जाता है, तो उन्होंने भी सीख लिया होगा। जाने अनजाने अगर आपके अनुराधा से कोई गलती होती है तो मुझे क्षमा करें। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब ये भी सवाल होगा, जी हमारे पास लॉकेट भी नहीं है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, फ़ोन तो आजकल हर एक के पास है, चाहे वो पैदा होता हुआ बच्चा ही क्यों ना हो, फ़ोन तो है ना। तो बस फेसबुक खोलिए और गुरुजी का नाम टाइप कीजिए, गुरुजी का सब रूप सामने आ जाएगा। गुरुजी की जितनी भी हिस्ट्री, जो भी फेसबुक नहीं खोलनी है, नहीं चलाते हो तो यूट्यूब खोलिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, यूट्यूब नहीं चलाते हो तो गूगल में सर्च कीजिए और गूगल में से गुरुजी की फ़ोटो निकलवाइए। अगर आप नहीं भी निकलवाना चाहते, एज इट इज़ फ़ोन में ही देख के, क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि डर डर के लोग मानते हैं। अब जो मेरी जी जो जयपुर वाली आंटी है, ये डर डर के मानती है, इनकी फैमिली में किसी को नहीं पता है कि ये गुरुजी को मानती हैं। अरे रब को मानना है हमें, तो रब को मानने में डर कैसा? तो अगर है भी तो कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम है। तो आप ये फ़ोन में गुरुजी का सब रूप निकालिए ना, गूगल में क्या नहीं मिलता, गूगल में सर्च कीजिए शुक्राना गुरुजी, तो ढेरों फोटोएँ गुरुजी की आ जाएंगी। तो उन फोटो के आगे ही आप जल रख के जल को ब्लेस कर सकते हैं। उस फोटो के सामने मन ही मन गुरुजी को फील कीजिए, अपने अंदर फील कीजिए और गुरुजी से अपनी बातें कीजिए, अपनी सिचुएशन बताइए कि गुरु महाराज जी मेरे पास ना ही आपका सब रूप है, ना ही आपकी तस्वीर है, तो मैं क्या करूँ गुरु महाराज, मैं कैसे जल को ब्लेस करूँ? तो देखना चुटकियों में आपका काम बन जाएगा, ज़रूरत नहीं आपको कहीं भी जाने की। हाँ अगर आप जाना चाहते हैं बड़े मंदिर तो जाइए, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो बड़े मंदिर जाते हैं, जहाँ डुगरी जाते हैं, या किसी भी गुरु दरबार में जाते हैं। बट अगर पॉसिबल नहीं है, अगर आप कैपेबल नहीं हैं, तो कर्जे उठा के मत जाइए। गुरुजी कभी खुश नहीं होंगे अगर आप कर्जे उठा के, तो स्पेशली एक गड़वा ब्लेस कराने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आए ही अपने बच्चों के दुख दूर करने के लिए हैं। बस ज़रूरत है तो एक सच्चे मन की, सच्ची चाहत की। मैं जिन दिनों गुरु महाराज ने मुझे कनेक्शन मेरे साथ बनाया था ना, तो फ्रेंड्स मैं किसी बड़े मंदिर नहीं गई थी, मैं किसी डुगरी धाम में नहीं गई थी, और ना ही हमारे यहाँ ये गुरु मंदिर था जम्मू में। अपने आप ही कनेक्ट हुई हूँ, अपने आप ही आगे बढ़ती गई हूँ, क्योंकि अगर हम फ्रेंड्स अपना एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो प्यारे गुरु महाराज हजारों कदम हमारे पास लेके आते हैं अपने, और हमें संभाल लेते हैं, अपने बच्चों को ऐसे जोली में डाल लेते हैं और उनके कष्ट दूर करते हैं। बहुत ही प्यारे हैं मेरे प्यारे गुरु महाराज, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही कष्ट हरते हैं, किसी के जल्दी हरते हैं, किसी के थोड़ी देरी से। देरी से इसलिए हरते हैं क्योंकि जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है ना, पहले वो दूर करते हैं, और गुरु महाराज जी हमें वो देते हैं जो उनको हमारे पूरे फ्यूचर के लिए अच्छा लगता है। वो कभी नहीं देते कि जो हमारे आज के लिए सिर्फ अच्छा हो। हमें लगता है कि हमने ये मांगा वो मांगा, ये अरे गुरु जी कोई वो जादूगर थोड़ी है जो डंडा घुमाया गुरु महाराज जी हमारी इस इच्छा पूरी कर देंगे। वो हमारे कर्म भी देखेंगे, हमारे कर्मों का चिट्ठा देखेंगे, हमारा हिसाब किताब देखेंगे, फिर उसे कम करके हमें ब्लेस करेंगे, ताकि हम अपने नए जीवन में जो गुरु जी द्वारा हमें नई लाइफ मिली है, नया जीवन मिला है, उसे अच्छे ढंग से जिए, उसे अच्छे ढंग से चलाएँ। जल्दी जल्दी बोलती हूँ तो कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, बट मुझे बिलीव है फ्रेंड्स आपको मेरी सारी बातें समझ आती हैं। तो जाने अनजाने में अगर किसी का दिल टूटा हो जाए, किसी को दिल दुखाया हो, तो अपने अनुराधा को कीजिए माफ़। और ये था मेरा आज का टॉपिक कि कैसे जल प्रसाद को बनाया जाए, और बहुत ही सिंपल और
बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, मुझे नहीं लगता इस तरीके से आपको कोई और समझा सकेगा। ये मेरी बड़ाई नहीं है, मैं बड़ाई नहीं कर रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद भी सिंपल रहती हूँ और मैं बहुत ही सिंपल वे से गुरु महाराज जी को मानती हूँ और वो हर कदम मेरे साथ चलते हैं। तो जब मेरे साथ चल रहे हैं इतने सिंपल ट्रिक्स अपनाने पे, इतने सिंपली उनके साथ रहने से, तो वो आपके साथ भी चल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा तामझाम में ना पड़ने। तो मिलूंगी कल आपको फिर से किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, जय गुरु जी, लगा दीजिए मेरे साथ जोर से जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबारे की जय। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगी, पॉसिबल हुआ तो। सभी को जवाब देना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दो। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी, जय गुरु जी, लगा दीजिए गुरु महाराज जी का जयकारा, क्योंकि वो रह गया है जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का, बोल सांचे दरबार की जय। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, जय माता दी, जय गुरु जी। और प्यारी संगत जी, ये है आज के दर्शन, और आज भी गुरु महाराज जी के सब रूपों पे हुई है अमृत वर्षा, और ये दर्शन स्पेशली आप सबके लिए हैं। और मैं आज दरबार पे नहीं गई थी, तो किसी से मैंने वीडियो बनवाई है और उनको बोला था मुझे सेंड कर दो, बट उन्हें इतनी अच्छी बनाना नहीं आई, पर फिर भी मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उनको कैमरा पता नहीं चला कि कैसे बनानी है, तो संगत जी ये आज के दर्शन पूरे भेजनी है वीडियो, हाँ इन्हें बनाई